कोरोना के प्रकोप से फर्क इंसान मात्र को बस नहीं पड़ा, बल्कि इसका असर बेजुबान जानवरों पर भी पड़ा है। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में हनुमान जी के वंशज एवं राम की वानर सेना के नाम से जाने वाले बंदर भी भूख से तड़प रहे हैं। पतझड़ के इस मौसम में जहां हजारों बंदर यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर थे, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा लाए चना और अन्य खाद्य सामग्री लाकर के इनका पेट भर दिया करते थे, अभी करो नहीं। ऐसा है कि जैसे लॉकडाउन हुआ आदमियों को तो ठीक है, दो दिन चार दिन सब लोग व्यवस्था कर लेता है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ हमारे समाज सेवी हैं, कुछ पत्रकार बंधु हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने ये विचार किया कि ये बगैर बोलने वाले प्राणी हैं हनुमान जी के, जो सेना है ये भूखी रही। चूँकि चित्रकूट में लाखों लोग श्रद्धालु आते थे, पूरी तरह से अचानक जब बंद हो गया तो एकदम ऐसा लग रहा था कि चिड़िया नहीं बोल रही चित्रकूट के अंदर। ये बेचारे जो बोलते नहीं ये क्या खाएंगे, तो हम लोग मिल करके व्यवस्था की, उनको चना है, पूरी है, इस टाइप से बिस्किट है, इस टाइप से हम लोगों ने खिलाना शुरू किया। इसके बाद आज की डेट में दो दो चार चार बार बंदर पूरे चित्रकूट के पचासों हज़ार बंदर है। इतने लोग समाज सेवी, इतने सब लोग सामने आ गए कि आज हर आदमी खिला रहा है, पब्लिक को खिला रहा है। तो इस तरीके से अब चित्रकूट में किसी तरह के कोई समस्या नहीं है। हम लोग रात दिन लगे हुए, बंदर को भी मिल रहा है, गरीबों को भी मिल रहा है। चित्रकूट एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर जिस तरह से बंदरों के पास बंदर हो, यहाँ के गऊ हो, हर तरह के जो जानवर हैं यहाँ पर पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर थे। दूर दूर से जो यहाँ पर श्रद्धालु आते थे उन्हीं के चलते इनका जीवन यापन होता था। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लग गया था उसके बाद जो दूर दूर से श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे, उसके बाद इनके भी भुखमरी की समस्या हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ के जो स्थानीय समाजसेवी हैं और यहाँ का जो प्रशासन है, नगर पंचायत है, नगर जिला प्रशासन है, सभी लोगों ने एक प्रयास शुरू किया जिसके चलते अब आसानी से इनके पास भोजन पहुँच रहा है। युवा यहाँ पर जिसके कोई बिस्किट लेके, कोई केला लेके, कोई पूड़ियाँ, कोई चना, हर तरह से जिसके पास जो भी होता सब लेकर के यहाँ पहुँच जाते हैं और सब इनको खिलाते हैं। जिसके चलते ये भगवान राम की त्रेता युगीन ये जो सेना है, उनके जो ये वंशज हैं भगवान हनुमान जी के साथ जो चित्रकूट में विराजते हैं, उनको खाना मिल रहा है, भूखे नहीं रह रहे हैं और सबको इससे आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सामूहिक प्रयास है उससे चित्रकूट की जो पौराणिक महत्व है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो पक्षी हैं, सभी को भोजन उपलब्ध हो रहा है।